पन्ना के पवई नगर में मां कलेही के तट पर शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस की शाम पत्नी नदी के भव्य आरती का आयोजन नगर के युवा मंडल द्वारा किया गया। युवाओं द्वारा सायं 5:30 बजे से कलेही मंदिर परिसर में एकत्रित होकर पत्नी नदी तट की साफ सफाई साज सज्जा की गई। पत्नी नदी के घाट को दीप मालाओं और विद्युत झालरों से सुसज्जित किया गया। नगर की महिलाओं द्वारा तट को रंग बिरंगी रंगोली से सजाया गया। इसके उपरांत 7 बजे एक विशाल समुदाय की उपस्थिति में कलेही मंदिर के पुजारी और कर्मकांडी ब्राह्मणों द्वारा सर्वप्रथम मां पत्नी नदी की पूजा अर्चना एवं भव्य आरती की गई, साथ ही दीपदान करते हुए प्रसाद वितरण किया गया। इस अभूतपूर्व कार्यक्रम का उद्देश्य पवई की जीवन रेखा पतित पावनी मां पत्नी नदी को स्वच्छ बनाने का संदेश आम जनमानस तक पहुंचाना था। युवाओं द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की नगर में हर जगह सराहना हो रही है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से तहसीलदार दीपा चतुर्वेदी सहित भाजपा पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, महिलाएं, युवक एवं युवतियां मौजूद रहे। प्रथम दिवस माँ के प्रथम दिवस पर माँ पत्नी मैया की आरती रखी गई है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ के पवई नगर के और क्षेत्र के युवाओं द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया था भव्य आरती का। इसमें सभी का पूर्ण सहयोग मिला, सभी बधाई के पात्र हैं। प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक कर्मचारी और युवा व्यापारी सभी का पूर्ण सहयोग मिला। हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे छोटे भाई चंद्रभूषण, पूरी युवा टीम का, पत्रकार बंधुओं का बहुत ही अच्छा योगदान रहा। हम सभी को धन्यवाद देते हैं। अगले वर्ष से आशा करते हैं कि इससे अच्छा भी अपन लोग आयोजन करेंगे और दीप प्रज्वलन करेंगे। टाइम 1 मध्य प्रदेश के लिए पवई पन्ना से राकेश पाठक की रिपोर्ट।